सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। आज की कथा का प्रसंग बद्रीनाथ धाम से है, जहां महाराज जी अपने जब तप को करने के लिए, दर्शन करने के लिए वहां गए थे और जीवंती माई और सिद्ध माता दोनों उनके साथ थी, और भी भक्त थे, तो सब लोग धर्मशाला में वहां रुके हुए थे। महाराज जी निकल गए और वहां जब काफी देर तक वो वापस नहीं आए तो उन माओ ने ये सोचा कि क्या करें, चलो देखते हैं चल के। तो ये बात 1966 की है और उस समय वहां बहुत ज्यादा भवन नहीं बने थे, जो आज स्थिति है वो ऐसी उस समय नहीं थी, बहुत कम। तो उन्होंने ढूंढना दोनों माओ ने शुरू कर लिया कि महाराज जी किधर गए, कंदराओं में देखी, गुफाओं में देखी। जब थोड़ी देर में देखा कि महाराज जी एक जगह बैठे हुए ध्यानस्थ हैं, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि कहीं गाय का गोबर है, कहीं बकरी की विष्ठ रखी और इस तरह से, मतलब बहुत सफाई नहीं है, गंदी जगह चारों तरफ से दिखाई पड़ रही थी, और लेकिन महाराज जी बड़े मस्त होके उसमें ध्यानस्थ थे। एक विशेष बात यह थी कि जहां गाय गोबर हो और गंदगी पड़ी हो तो वहां बदबू आनी चाहिए, वहां सुगंध आ रही थी। मित्रों जहां गंदगी होती है वहां बदबू आती है, जब माताओं ने वहां बैठ के देखा, जब वो बैठ गई तो सुगंध आ रही थी। ये महाराज जी के प्रताप का, महाराज जी के जो शरीर से उठने वाली सुगंध थी वो पूरे वातावरण को समाहित करी थी, कि उस समय तप कर रहे थे। साधारण मानव की लीला करते करते जब कभी ईश रूप में कहीं पर या अपनी तपस्या में लीन हो जाते थे तो फिर ऐसी सुगंध उठा करती थी उनके शरीर से। तपस्या उनके जीवन का अंग था, हालांकि गोपाल बहेलिया बिना इजाजत के जब वो नीम करौली धाम में अपनी तपस्या कर रहे थे तो बिना इजाजत के वो अपना दूध का लोटा लेके चला गया था महाराज जी के पास, तो देखा था उसने कि उनकी छाती पर भुजंग खड़े हुए हैं, भुजंग लोट रहे हैं और वो शिव रूप में वहां पर लेटे हुए हैं, तो एकदम बेहोश हो गया था। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। मैं ये कथा इस प्रसंग में इसलिए सुना रहा हूं कि तपस्या जब आप व्यक्ति करता है, विचार जब उसके बदलते हैं, जब किसी से ध्यानस्थ होता है और ईश्वर से जब उसका सीधा संपर्क हो जाता है तो बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। और वो तो स्वयं ईश्वर थे, तो जो वो तो जहां बैठते थे जहां जो होता था, लेकिन हाँ ये एहसास किसी किसी को होता था। तो जीवंती माई और सिद्ध माने ये प्रसंग उनके अनंत यात्रा जाने के पश्चात ये बताया कि इस तरह से महाराज जी इस तरह से एक दिन जब बद्री धाम में गए तो उस समय निकल गए थे तपस्या के लिए। और वो तपस्या क्या, थोड़ी देर का ध्यान, हम उसे तपस्या नहीं ध्यान कह सकते हैं, तो ध्यान में मग्न थे हम लोग, वहां पहुंच गए थे तो उस गंदगी भरी गुफा में जो कंदरा थी वहां पर बदबू की बजाय सुगंध आ रही थी। तो जहां एक तपस्वी बैठ जाता है, आज भी हम कैची धाम क्यों जाते हैं, हम नीम करौली क्यों जाते हैं, हम मथुरा क्यों जाते हैं, ये वैष्णो माँ के यहाँ हम जाते हैं, हम जहां पर भी जिस स्थल पर जाते हैं, साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, हम हनुमानगढ़ी में जाते हैं, जो भी तीर्थ स्थल है, बालाजी जाते हैं, वहां है क्या, वहां पर संतों ने तपस्या की है, ईश्वर वहां पर विराजमान है और उस स्थान को, उस जहां पर ये धाम बन जाते हैं, जो वो स्थान होते हैं, तप स्थली होती हैं, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और बहुत मिलती है यदि आप
महसूस करें। ये महाराज जी भी तो बद्रीधाम गए थे, बद्रीधाम से भी क्या आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। और आज भी आप देखें जहां पर संत जन बैठ जाते हैं, जहां पर संत समा सत्संग होता है, जहां ईश्वर की बातें होती हैं, वो स्थान भी तप स्थली हो जाता है और वहां पर सुख शांति मिलती है। महाराज जी बद्रीधाम में थोड़ी सी समाधि के लिए बैठ गए थे, थोड़ी सी देर के लिए ध्यान लगाने के लिए बैठ गए थे, तो उस बदबू भरे वातावरण में सुगंध जहां पर थी दोनों माताओं को महसूस हुई। इस सुगंध भरी कथा को आप लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।